नाउ दिस इज द कंटिन्यूशन ऑफ पार्ट वन। अब हम पार्ट टू के बारे में देखेंगे। हमने पार्ट वन में अलग अलग केस स्टडीज और उसके बारे में समझा, क्या फॉरेन ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में। नाउ पार्ट टू इज बेस्ड ऑन द फॉरेन ट्रेड, कैसे इंपैक्ट हुआ, क्या ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी हम समझेंगे। तो आपके सामने जो है आप देखिए नोट्स आ रहे हैं। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। किस तरीके से मार्केट जो है वो इंटीग्रेट या जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेड का मतलब समझते हैं। ट्रेड मीन परचेज एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर बात की गई है फॉरेन ट्रेड की। तो सबसे पहला हम इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं, जब इंडिया की में ही से परचेज एंड सेलिंग हो विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, तो वो होता है इंटरनल ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड की बात करें और इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, जब हम आउटसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, आउटसाइड इंडिया अगर हमारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो वो हो जाता है फॉरेन ट्रेड। अब हम एडवांटेजेस समझते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं फॉरेन ट्रेड के। तो सबसे पहला हमें ये क्वेश्चन जो है वो एनालाइज करने के लिए पूछते हैं, फॉरेन ट्रेड हैज लेड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस द कंट्री। किस तरीके से फॉरेन ट्रेड की वजह से अलग अलग मार्केट जो है अलग अलग कंट्रीज के वो कंबाइन हुए या इंटीग्रेट हुए। तो ये हमें एकदम अच्छे से याद रखना है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला देखते हैं, फॉरेन ट्रेड की वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर जो है, जो लोकल प्रोड्यूसर है, सिर्फ लोकली वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेचते, बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड वो बाहर की कंट्रीज में भी अपना प्रोडक्ट्स जो है वो बेचते हैं। जैसे इंडियन प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बेच पाता है, बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड वो आउट ऑफ इंडिया भी अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बेचता है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट देखते हैं, इन जनरल जैसे ही ट्रेड फॉरेन ट्रेड चालू हुआ, गुड्स जो है वो लोकल मार्केट से दूसरे फॉरेन मार्केट तक पहुंचने लगे। एंड बिकॉज ऑफ ट्रेड, अगर हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो कंज्यूमर को बहुत ज्यादा चॉइसेस जो है, वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो देखने को मिले। जैसे हम इंडिया की ही बात कर ले तो इंडिया से बिकॉज अलग अलग रीजन से, अलग अलग कंट्री से प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उन्हें वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और वाइडर ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जो है वो दिखने लगे। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर जो है अपना प्रोडक्शन जो है सिर्फ लोकल मार्केट में है नहीं, बट कैन ऑल्सो कम्पीट इन द मार्केट लोकेटेड इन द अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। वो कॉम्पिटिशन देते हैं, सिर्फ लोकली कॉम्पिटिशन नहीं देते, बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड वो बाहर की कंट्रीज को भी काफी ज्यादा टक्कर या कॉम्पिटिशन देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रोड्यूसर्स इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कंपीट अगेंस्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड। वो आप सपोज एक अमेरिकन प्रोड्यूसर है, अमेरिकन बिजनेसमैन है और यहाँ पर इंडियन बिजनेसमैन है, तो बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड वो आपस में एक दूसरे को कॉम्पिटिशन जो है वो देते हैं। अब फॉर द बायर्स, अगर हम बात करें बायर्स के व्यू पॉइंट की बात करें, तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द अनदर कंट्री इज वन वे ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइसेस ऑफ द गुड्स। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये पॉइंट जो है वो क्या दिया गया है। हम इंडिया और चाइना की बात करते हैं। ड्यूरिंग दिवाली सीजन बायर्स इन इंडिया हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन द चाइनीज डेकोरेटिव लाइट। अलग अलग डेकोरेटिव लाइट्स आती है, आपने भी देखा होगा, जो कि काफी ज्यादा सस्ते होते हैं, तो बाहर से वो आते हैं इंडिया में, इंपोर्ट होते हैं, तो बायर्स के पास अलग अलग कंट्रीज और स्पेसिफिकली चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है वो काफी ज्यादा चीप होते हैं, तो बायर्स के पास काफी ज्यादा चॉइसेस है। सो दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द बिजनेस। तो यहाँ पर चाइना को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना बिजनेस जो है वो इंडिया में आकर काफी ज्यादा फैला रही है। फॉरेन ट्रेड इसीलिए दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट इन द डिफरेंट कंट्रीज। तो इस तरीके से ये जो हमने रीजन देखे, बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड हम हमारे प्रोडक्ट जो है वो बाहर बेच सकते हैं, हम फॉरेन प्रोड्यूसर से कंपीट कर सकते हैं, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उन्हें काफी ज्यादा वाइडर रेंज ऑफ वेराइटीज ऑफ गुड्स जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से फॉरेन ट्रेड ने इंटीग्रेट किया है हमारे मार्केट से। तो ये अच्छे से हमें याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ये जो पॉइंट हमने देखा, इसका एक्सटेंडेड पार्ट है, इसका केस स्टडी भी हमें पूछ सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। चाइनीज के जो चीप टॉय जो इंडिया में आए, उससे मार्केट पर क्या असर पड़ा चाइना को और इंडिया को। तो देखते हैं, चाइनीज मैन्युफैक्चरर को पता चला, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी, उन्हें ये चीज पता चली कि हम इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, अगर हम हमारे प्रोडक्ट जो है वो चीप बेचे तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो होने वाला है और वो टॉयज जो है वो हायर प्राइसेस पे बेच सकते हैं, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी का पता चला।
They start exporting plastic toys to India. अब बिकॉज उन्हें ये चीज पता चली कि बहुत बड़ा मार्केट है, प्रॉफिट हो सकता है, तो वो अपने चीप प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया में बेचने लगे। तो ये देखिए आपको एग्जाम्पल इजिली दे रखा है, चाइना ने एक्सपोर्ट किए टॉयज इंडिया में आकर, और उनका जनरली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, जो उसको बनाने का खर्चा, जो कॉस्ट प्राइस है, वो काफी ज्यादा लो होती है और वो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, लेकिन इंडिया में जब वो आते हैं तो वो उन्हें हायर प्राइसेस पर बेचते हैं। तो देखिए आपको सीपी, सपोज कॉस्ट प्राइस जो चाइना में बनता है उसका कॉस्ट प्राइस है 2000, इंडिया में आकर वो सेलिंग प्राइस हो जाती है 5000। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिख रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट प्राइस है 2000 और एसपी है सेलिंग प्राइस जो है वो 5000। तो चाइना को डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है 5000 माइनस 2000, दैट इज डायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा है 3000 का। तो चाइना को ये चीज पता चली और उन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। अब हम देखते हैं क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ा चाइना को और इंडिया को। तो हम देखते हैं चाइनीज जो है उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपना ट्रेड और बिजनेस जो है वो इंडिया में आकर एक्सपेंड करे और बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। ये पॉइंट हमने पहले ही समझ लिया, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा हायर प्राइसेस पर बेच रहे तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो देखिए आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया, कॉस्ट प्राइस जो है वो 2000 है, सेलिंग प्राइस है 5000, तो उसको डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू फायदा हुआ 3000 का। तो चाइना को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ और विद इन द ईयर 70-80% जो है, बिकॉज इंडियन जो बायर जो है उन्हें वाइडर रेंज ऑफ वेराइटीज मिले, उन्हें चीप प्रोडक्ट्स मिले, तो इसीलिए चाइनीज प्रोडक्ट्स ने पूरे इंडियन मार्केट्स को कैप्चर कर लिया, रिप्लेस कर दिया। अब हम इंडिया के व्यू पॉइंट की बात करें तो इंडिया के व्यू पॉइंट, बायर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ, बिकॉज सब जो है जितने भी सिटीजन जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट ही खरीदते थे। तो अब हम देखते हैं इंडियन बायर्स के व्यू पॉइंट से बात करें तो बायर्स को बहुत ज्यादा वाइडर रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स जो है वो मिले, प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं लो है, डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा न्यू है। बट अगर हम एक मैन्युफैक्चर, एक टॉय बेचने वाला है उसकी बात करें, तो ड्यू टू चीपर प्राइस एंड न्यू डिजाइन जो इंडियन टॉयज मैन्युफैक्चरर जो है उन्हें काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा और उन्हें काफी ज्यादा लॉस जो है वो फेस हुआ, बिकॉज सब जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स ही खरीद रहे हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। हमें इम्पैक्ट भी पूछते हैं और इवन केस स्टडी के फॉर्म में भी या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन में ही आ गया है ग्लोबल। तो जब हम हमारी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को किसी दूसरी कंट्री के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं, उसे मिलाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। आई होप इसको डेफिनेशन जो है वो एकदम अच्छे से याद रखनी है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन है जहां पर हम हमारी इकोनॉमी को दूसरी कंट्री के इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करते हैं और जहां पर फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो, कंडीशंस है कि यहां पर हम आसानी से हमारा बिजनेस जो है वो कर पाए दूसरी कंट्रीज के साथ, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो, आराम से पैसा जो है वो एक बैंक से दूसरे बैंक जो है वो ट्रांसफर हो जाए, बिजनेस हो और पर्सन्स का भी मूवमेंट हो, जॉब के लिए, हायर स्टडीज के लिए आराम से पर्सन का भी मूवमेंट हो, फॉर लेबर और फॉर वर्क। तो ये जो डेफिनेशन जो है वो हमें एकदम अच्छे से याद रखनी है ग्लोबलाइजेशन की। देर इज वन मोर वे थ्रू विच कंट्रीज आर बिकमिंग क्लोज। एक और ऐसा तरीका है जहां पर कंट्रीज जो है वो आपस में काफी ज्यादा क्लोज आ गई है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दैट इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ पीपल। तो हमने देखा ही है बहुत सारे जो इंडियंस जो है वो बाहर जाकर हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ करियर वो बाहर जाते हैं, या बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया में आते हैं। तो दिस माइग्रेशन को हम बोलेंगे, शिफ्टिंग को हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज। ये भी किससे पॉसिबल हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। पीपल का एम क्या होता है, वो जनरली एक कंट्री से दूसरी कंट्री किस लिए जाते हैं, इन सर्च ऑफ जॉब और बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, और ये सब जो है वो रिजल्ट है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। एमएनसी जो है वो भी मेजर रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में। तो इसमें हमें मेन जो है वो डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, दैट इज रिलेटेड टू नेसेसिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहले काफी ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी 1991 से पहले, उससे पहले जो है काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, बाहर हम हमारे प्रोडक्ट्स या कुछ भी रिलेटेड, बाहर से रिलेटेड जो है हम
प्रोडक्ट जो है वो नहीं बेच पाते। बट अब बिकॉज टेक्नोलॉजिकल में बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है, ट्रेडिंग में एडवांसमेंट हुआ है, तो अब क्या नेसेसिटी है ग्लोबलाइजेशन की उसका बारे में हम समझ सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा एक इकोनॉमी के लिए नेसेसरी है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर का पैसा जो है वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट होता है। तो ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो आता ही है, उसी के साथ साथ ग्रेटर फॉरेन ट्रेड्स भी होता है बिकॉज ऑफ एमएनसी। एमएनसी जो है वो इंडिया में आकर अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करती है बिकॉज ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ग्रेटर फॉरेन ट्रेड। अब हमने फर्स्ट पॉइंट यही देखा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाती है, फॉरेन ट्रेड लाती है, और इसका रिजल्ट जो है उससे क्या हुआ, देर हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस द कंट्री। बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेट हम दूसरे कंट्रीज के साथ जो है काफी ज्यादा इंटीग्रेट करने लगे, प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा, ट्रेडिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। ऑल दिस क्रिएट्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी बिकॉज नए एमएनसीज आएगी, वो सेटअप करेंगे, उनका ग्रोथ होगा और वो एम्प्लॉय करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, तो उन्हें इनकम भी होगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होगी। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन काफी ज्यादा नेसेसरी है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से मोर एंड मोर गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजीज जो है वो अक्रॉस द कंट्रीज जो है वो मूव हो रही है, और मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन काफी ज्यादा क्लोजर कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक। पहले के टाइम पे इतना क्लोजनेस जो है वो नहीं था, ट्रेडिंग नहीं हो पाती थी, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन सारी कंट्रीज जो है आपस में इंटीग्रेट हो गई है और काफी ज्यादा क्लोजर कॉन्टैक्ट जो है वो हो गया है। बिसाइड पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब और बेटर एजुकेशन। ये पॉइंट हमने पहले ही देख लिया था। पीपल जो है वो क्यों माइग्रेट करते हैं, बिकॉज उन्हें हायर स्टडीज के लिए जाना है, हायर स्टडीज के लिए वो जा सकते हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर जॉब करियर के लिए वो मूव होते हैं। एज कंज्यूमर, अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो कि प्रोडक्ट्स को खरीदता है, उन्हें बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाहर से बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चीप जो है आ रहे हैं और क्वालिटी भी एकदम अच्छी रहती है, तो इससे वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। दे नाउ इंजॉय द इम्प्रूव क्वालिटी, अच्छी से अच्छी क्वालिटी एट अ लोअर प्राइसेस उन्हें मिल पाती है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से अल्टीमेटली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट टू, जहां पर हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा, नेसेसिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा। फर्दर टॉपिक जो है हम पार्ट थ्री में कंप्लीट करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।